अस्सलाम वालेकुम हीरा। यार मैं ऐसे मुंह पे हाथ रखती ना, फिर लोग मुझे पहचानते, फिर मैं ऐसे करती। नहीं सो हीरा अस्सलाम हाँ वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठीक ठाक? हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी मना रहे हैं हम यहाँ गार्डन में बैठ के। कैसा लग रहा है आपको मेरा गार्डन? बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू नहीं योर नहीं हाउस। प्लेजर प्लेजर। हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जब भी कोई वीडियो जाती है तो वन ऑफ द नेम्स दैट कीप पॉपिंग अप फ्रॉम फैंस इज हाँ यू। हीरा मानी का इंटरव्यू करें, हीरा मानी का इंटरव्यू करें। यार मैं तो बहुत हैरान हूँ। मेरे जो चाहने वाले, जो मेरे फैंस हैं, लिटरली ये बात मुझे एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस ने बोली थी, मैं उनका नाम भी कोट करूंगी, सजल अली ने। मैं काफी डाउन हो गई थी कुछ पिछले दिनों ना, तो सजल ने कहा, हेरा आपको पता है, छोड़ दें फील्ड मीडिया के बारे में, जो फैंस है ना ये आपको सबसे ऊपर ले जाते हैं। आपका अच्छा काम आपके फैंस देखते हैं और वो आपको जहाँ लेके जाते हैं ना, वह आपको कोई नहीं लेके जा सकता। तो लिटरली आज ये बात मैं जब सोचती हूँ तो मुझे बहुत ये असल लगती है कि जिस तरह सजल ने मेहनत की है, उसने आखिरकार अपने काम से उसने, तो डेफिनेटली मैं भी अब बहुत मेहनत करती हूँ। और मुझे पता है एक फैंस जो है मेरे वो जेन्युइन है। कोई आपको मिलता है टीवी का, या सेलिब्रिटी या स्टार या कोई डायरेक्टर या मीडिया से, वो आपको उस तरह से नहीं प्यार कर सकता या आपकी तारीफ करता जिस तरह मुझे एक आम पब्लिक मिलके करती है। और मैं तो बहुत ही चकरा गई हूँ उस चीज़ से। इसके ऊपर हम और ज्यादा डिटेल में भी बात करेंगे। और डेफिनेटली ऑफ कोर्स आपके इस वक्त दो ड्रामे ऑन एयर हैं, बंदिश और दो बोल। हाँ दो बोल इन पर्टिकुलर इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पर है बट इंडिया में भी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, हमारे कंटेंट के लिए भी और आपके लिए पर्सनली भी। नहीं, दो बोल अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब रात में एपिसोड ऑन एयर होती है, सुबह 2.5 मिलियन लोग यूट्यूब पे देख चुके होते हैं। और मैं, आप यकीन करें, मैं अब ये जब गाना, एक टीजर आया था मेरा कि जा तुझे माफ किया वाला, तो मैं सेकंड डे जब सो के उठी तो मुझे 2500 टिकटॉक मिले मेरे फोन में। मेरे फैंस ने इंस्टाग्राम पे भेजे, मैंने कहा आप मुझे यहाँ नहीं भेजें, आप अपने पास टैग करें तो फिर मैं आप लोगों को टैग करूंगी। तो ये एक सॉरी मैं कमाल। आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें मानी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बड़े मजे मजे की वो वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते रहते हैं, हम हाँ, देखते हैं वो। मानी का जो है वो मेरी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट रोल है, ऑफ कोर्स। क्योंकि मानी ने मुझे कहा था, हेरा जस्ट होस्टिंग छोड़ो, तुम एक्टिंग करो यार, तुम एक्टर हो। अच्छा तो हम दो बोल पे डिटेल में बात करेंगे बट हाँ ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थोड़ा सा उससे हम शुरू करते हैं। कब आपने पर्सनली ये रियलाइज किया कि एक्टिंग ही आपकी ट्रू कॉलिंग बचपन है? से, मैं बचपन से मुझे लगता था कि मैं कुछ भी एक्ट करूँ। मेरे दिमाग में एक्चुअली इतनी ज़्यादा हीरोइनें भसी हुई हैं। आप कुछ इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ मैं हर किस्म की फिल्में और हर किस्म की, बस मुझे ये जो मेरे अंदर एक एक्टर है वो बचपन से। मेरे अब्बू, मेरी टीचर भी कहती थी कि जब वो डांटती थी तो वो कहती थी कि, मैं कहती थी हाँ टीचर, कहती थी ये देखो एक्टर, ये देख एक्टिंग, एक्टिंग देखो इसकी, इसकी एक्टिंग देखना ज़रा। तो ये ना लोगों को शुरू से लगता था कि मैं एक एक्टिंग ही कर रही हूँ। मतलब मैं रियल लाइफ में भी हूँ, लेकिन मैं एक, जैसे मैं मानी को भी गुस्से में जब बोलती हूँ, क्या मतलब है, तो मैं समझ नहीं आती कि मैं क्या डायलॉग बोल रही हो तुम यार, बोलती मैं डायलॉग नहीं। तो इस अभी से नहीं, ये शुरू से ना मेरी बातें या मेरा अंदाज लोगों को लगता है कि बस इसके आगे कैमरा लगा हुआ और ये बोल रही तो है। ऐसी कौन सी एक्ट्रेस या पर्सनालिटी थी जिससे सबसे ज्यादा आप इंस्पायर्ड या इम्प्रेस थी? श्रीदेवी, उसके बाद शनाशे, ये दो पर्सनालिटीज मेरी लाइफ में ऐसी हैं कि, खालदा रियासत भी बिल्कुल है, लेकिन श्रीदेवी आप समझ लें वो मेरी अम्मी की बड़ी फेवरेट थी। तो उसके बाद वो देखती थी मूवीज की लगा के, तो बस मैं जब मेरा, मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मैंने श्रीदेवी को बहुत देखा, मैंने शनाशे को बहुत देखा है, और बस वो मेरी लाइफ की, मेरी, मेरे दिमाग की इंस्पिरेशन रही है फॉर सम रीजन, बैक ऑफ माइंड में कहीं पे। कुछ बारिश हो तो व्हाइट कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ मैं अभी भी, अभी आपको भी हाँ, मेरी छत है, मैं हमेशा मानी कहती हूँ वो वाला घर जाएंगे जहाँ पे छत हो या टेरेस हो, कि जब बारिश हो तो मैं एटलीस्ट ऐसे दुपट्टा करके मैं यूं यूं घूम। शुरू से ना मैं शादी से पहले अपार्टमेंट में रहती थी, तो वहाँ बारिश होती तो ऑब्वियसली अपार्टमेंट ऐसा था कि वो हर कोई छत पे होता था, तो मेरे भाई जैसी बारिश होती थी मेरे जाने से पहले दो ऐसे खड़े होते थे वो छत की ना दरवाजे पे, कहाँ जा रही हूँ मैं छत पे जा रही हूँ। तो इस तरह, तो मुझे, जब मेरी मानी से शादी हुई तो मानी इतना ब्रॉड माइंडेड, उसने मुझे लाइफ ऐसे जीने दी है कि मतलब मैं अभी, अब इनफैक्ट हमने जब ये सिविक ली थी तो उसका रूफ टॉप खुलता है ना, तो जब हम नए नए, जब मुजम्मिल भी छोटा था, तो रात के 3 बजे 4 बजे हम ड्राइव करते, मैंने कहा मानी मैं खड़ी हो जाऊँ प्लीज,
मानी कहता हीरा तुम्हें सब जानते, मानी प्लीज थोड़ी देर खड़े रहता, फिर मैं वो कैप लगा के और पट्टी बांध के ऐसे खड़ी हो जाती थी। तो ये बेसिकली ये जर्नी इसी तरह स्टार्ट हुई है कि मानी ने मुझे कहा कि हीरा तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम छोड़ दो सब कुछ जो तुम्हारे अंदर से है, वो एक एक्टर है जो मैं नजर आता है, तो बस वही। पहला ड्रामा 2013 में आया, पहला ड्रामा मेरा 2013 में आया, फिर इतना करियो कुछ जी 2014 में, 2014 हाँ। अच्छा फिर विकिपीडिया पे झूठ लिखी है, हाँ, वो विकिपीडिया अक्सर झूठ बोलता है, कभी मेरी तनख्वाह के बारे में, कभी मेरे एज के बारे में। अच्छा तनख्वाह के बारे में भी झूठ? हाँ झूठ बोलता है। अच्छा हाँ एज तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं मैं बता दूंगी, आई एम 30। अच्छा हाँ चले ये शायद आपके फैंस के लिए एक, हाँ मैं 30 साल की हो चुकी हूँ, मानी मुझे कहता है लेकिन अब तुम 30 साल की होगी दिमाग तुम्हारा 20 साल का, तुम 40 साल की होगी तो दिमाग तुम्हारा 30 साल का, तो 10 साल और है अभी आपके पास, मेरे पास 10 साल है, मेरे पास मैं 60 साल की भी होंगी तो मैं 30 साल की होंगी। अच्छा ये बताएं कि दो बोल जब आपके पास आया तो क्या एक ऐसी आपने उसके स्क्रिप्ट में या वैसे अपने कैरेक्टर में ऐसी खसूसियत देखी कि यू वेंट अहेड विद इट? अच्छा माशाल्लाह से मेरे पास स्क्रिप्ट हमेशा अच्छे आए हसन, मैंने दो बोल से पहले यकीन का सफ़र किया, वो एक मैसिव हिट था मेरे लिए, सजल तो एक हिट पर्सनालिटी है ही, लेकिन अहद और मेरे लिए यकीन का सफ़र एक बहुत अच्छा किक थी हम दोनों के लिए। उसके बाद उससे पहले मैंने सुन यारा किया था, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। यार मैं हैरान हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे, वो मुझे स्क्रिप्ट के पास सोचना नहीं पड़ता, मैं मेरा एक वो होता है कि यार मेरा डायरेक्टर स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा अच्छा, स्क्रिप्ट डायरेक्टर के हाथ में होता है, वो किसी भी तरफ घुमा सकता है, एक अच्छे स्क्रिप्ट को डायरेक्टर ख़राब भी कर सकता है और एक अच्छे डायरेक्टर बुरे स्क्रिप्ट को अच्छा भी कर सकता है। तो मैंने वजाहत से मीटिंग की जो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हीरा मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, लोग अमूमन उन्होंने कहा हीरा मुझे वो वाली हीरा चाहिए हम दो हमारे शो वाली, तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि वो जो नहीं, जब वो अगर कुछ बोले तो लगे कि उसने कुछ बोला है, उसकी बात ऐमी शैमी ना जाए उधर। मैंने कहा अच्छा है तो बड़ी, फिर मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा क्योंकि अमूमन उसके बाद जो मैं प्ले कर रही थी उसमें मैं ज़्यादा चुप थी, घुटी हुई थी, दिल मोम का दिया मैं चुप थी, सुनियारा में ज़्यादा चुप थी, लेकिन इसमें मैं तड़ाके से जवाब देती हूँ सबको, तो मैं बेसिकली मेरी जो रियल पर्सनैलिटी है ना वो आपको इसमें बहुत नजर आएगी। सुनियारा में हीरामानी नहीं है, सुनियारा में एक रोशन है जो ऐसे है ऐसे है, लेकिन गेती बेसिकली हीरामानी है, तो वो मुझे थोड़ा इजी रहा प्ले करने में। तो गेती के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं हीरामानी के साथ या कम्प्लीटली हम अगर गेती को देख रहे तो हम ये समझे बस ये हीरामानी मुझसे शादी नहीं करता, काश मेरे अम्मी अबू ना मानते तो मैं मानी के साथ भाग जाती, तो बेसिकली ये जो भागने वाला एलिमेंट है, ये जो ट्रेन है, ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी शुरू से, फिल्मी टाइप मेरी सोच और काफ़ी मैं रही हूँ अभी भी हूँ। तो फिर जब ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिला ना तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट ऐसी थी कि मेरे दिल को छू गई, वो मेरे रियल लाइफ से बड़ा कनेक्ट कर गई थी, लेकिन रियल लाइफ में मुझे मेरा हीरो मिल गया, लेकिन इस ड्रामे में मुझे नहीं रहना पड़ा, मतलब वो हीरो नहीं मिला और मुझे अनफॉर्चुनेटली बदर के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ गई। लेकिन ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैंने इसकी स्टोरी पूरी पढ़ी, तो हम दिल दे चुके सनम देखी आपने? जी बिल्कुल, और मैं एक्चुअली हम हर हफ्ते अपना एक सेगमेंट करते हैं यूट्यूब पे जिसपे हम रिव्यू करते हैं ड्रामे, हाँ। तो क्योंकि दो बोल प्रायोरिटी पे है इतना, हाँ, लोग कहते हैं, बिल्कुल। तो हम ये ऑलरेडी उसमें जिक्र कर चुके हैं कि कुछ हम दिल दे चुके सनम का एलिमेंट है। एग्जैक्टली, तो ये हम दिल दे चुके सनम वाला इसमें एलिमेंट है और बहुत ही ज्यादा हम दिल दे चुके सनम तो एक फिल्म थी बड़े उस पे हुई थी, लेकिन इसमें भी वजाहत ने और मैंने और अफान ने मिलके कोशिश पूरी की है कि इसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना, हमने इसको बहुत रियलिस्टिक रखना है और इसको ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है, हमारी सारा कल्चर को लेके हमने इसको शूट करना है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ऐश्वर्या और अजय देवगन की तरह गेती और बदर भी इवेंचुअली उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, ये स्पॉइलर तो नहीं आपने दे दिया? नहीं हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, अभी ये सरप्राइज है आप सबके लिए, मैं अभी नहीं इसको करूंगी, लेकिन हाँ अच्छा है ये, बेसिकली ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो जो लड़कियां हम हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में, हमारी परवरिश में जो एक लड़की बनाई जाती है घर के अंदर कि कुछ भी हो जाए शौहर का साथ नहीं छोड़ना, पैसे कम हो पैसे ज़्यादा हो, इस तरह से भी मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है कि जब वो लिखा आता ना ए वाई डिजिटल पे के क्या हीरा
क्या गेती बदर का साथ छोड़ देगी, या वो अपनी इज्जत बचाएगी, अपनी फैमिली की इज्जत रखेगी, या अपने प्यार के लिए भागेगी. तो बेसिकली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे कल्चर को भी डिस्क्राइब करता है कि जिस तरह एक हम लड़कियां हैं सारी, वो लड़कियां नहीं जो उस मार्च में खड़ी हुई थी, मैं वो लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बेसिकली हम हैं.